आज कार्य समिति थोड़े देर पहले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हाथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की अगुवाई में उद्घाटित हुई है। लगभग टेक्नोलॉजी के प्लेटफॉर्म पे इस बार एक पार्टी ने एक अनोखा पहल की है, सारे पार्टिसिपेंट की डिजिटल रजिस्ट्रेशन हुई है। सबने माननीय प्रधानमंत्री समेत बाकी सभी प्रतिनिधियों ने अपने डिजिटल हस्ताक्षर को करते हुए रजिस्ट्रेशन किए हैं। उस रजिस्ट्रेशन के एक क्यूमुलेटिव नंबर भी हम लोगों के सामने आई, लगभग 342 तक सदस्य सारे इकाइयों के साथ उपस्थित है। विशेष आपके सामने उल्लेख करने के लिए मैं दो विषय कहूं। जैसे हमने टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म को यूज किया, हम सभी के प्रेरणा के स्रोत हमारी पार्टी के दो वरिष्ठ नेता मार्गदर्शक, हम सभी के अभिभावक माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी और माननीय डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी अपने अपने निवास में टेक्नोलॉजी की प्लेटफॉर्म पे इस कार्य समिति का हिस्सा बने हैं। मित्रों, सबसे पहले प्रधानमंत्री जी की कोरोना को इस कठिन की स्थिति में चुनौती भरे रास्ते से देश को आगे ले जाने के लिए उनकी वैश्विक नेतृत्व के कारण आज विश्व उनको कई विकासशील देश और अनेक विकसित देश उनकी प्रशासनिक पहल की आदर्श मानते हैं। हमारी सबकी सौभाग्य है देश की ऐसे एक यशस्वी व्यक्ति, यशस्वी लोकप्रिय आस्था का केंद्र प्रधानमंत्री जी बने हैं। कार्यकारिणी सबसे पहले नाडा जी की आह्वान पे पार्टी की सभी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे आदरणीय राजनाथ सिंह जी, आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय नितिन गडकरी जी, स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी और राज्यसभा में हमारे पार्टी के नेता और वरिष्ठ मंत्री पीयूष गोयल जी ने प्रधानमंत्री जी को पुष्पहार देके स्वागत किए। मित्रों, कोरोना में विश्व एक असमंजस्य स्थिति में रही, हमारी देश में मास्क, पीपी किट, मेडिसिन, ऑक्सीजन की किल्लत, हमारे देश में अमूमन 1900 से 1000 मेट्रिक टन मेडिकल लिक्विड ऑक्सीजन की खपत होती थी।